गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक्स सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक्स सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस डेफिनेटली रेविट जो सॉफ्टवेयर है उसने सबकी बैंड बजा दी है, बैंड इन द सेंस पॉजिटिव वे में। बीम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो नाम अगर किसी का आ रहा है आज के टाइम पे, आर्चिकेट, स्केचअप, 3ds मैक्स, लुमियन, सबको साइड करते हुए सबसे पहला जो रोल आ रहा है वो रेविट का आ रहा है। ठीक है, रेविट बीम का सबसे बेस, इसको बोल सकते हो बैकबोन, जिसके सहारे में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। अगर बैकबोन ना होते तो मैं ऐसे करके कुछ वीडियो बनाता, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से रेविट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बीम की इंडस्ट्री में। अब मेरे से कई ढेर सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं आपका बीम का कोर्स लेना चाहता हूं, क्या ऑटोकैड का कोर्स लेना इंपॉर्टेंट है या फिर ऑटोकैड सीखना इंपॉर्टेंट है क्या बीम सीखने के लिए? तो मैं बोलता हूं कि देखो, बिना तुम ऑटोकैड के भी बीम सीख सकते हो, बिल्डिंग फाउंडेशन मॉडलिंग सीख सकते हो, बट ऑटोकैड तुम्हें सीखना चाहिए। अब वो बोलते हैं सर क्यों, आप तो बोलते हो कि और रेविट के अंदर प्लानिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप रेविट के अंदर प्रॉपर ड्रॉइंग बना के दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑटो कैड आता है तो कल को आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि हर एक कंपनी के पास जरूरी नहीं कि रेविट हो, तो ये कह सकते हो कि 70% रिप्लेस कर सकता है, बट 30% जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर कोई बड़ी कंपनी है उसकी ड्रॉइंग जो होगी वो मैक्सिमम चांसेस होगा कि ड्राफ्टमेंट बनाएगा किसके अंदर, ऑटो कैड के अंदर। अब वो ड्रॉइंग आएगी ऑटो कैड फॉर्मेट में, फिर आप उसको इम्पोर्ट करोगे रेविट में, तब जाके उसको देखोगे तो प्रॉब्लम जाएगा। आपको स्ट्रक्चर का जो भी डिटेलिंग आएगी, चाहे आरसीडीसी से आए, फिर आए आरसी कैड से आए, किसी से भी आए, वो सब किसके अंदर जाने वाला है, आपको जो फाइल आएगी वो ऑटो कैड फॉर्मेट में आने वाला है। अब तो उसको इंपोर्ट करते बैठोगे, फिर उसके बाद उसको जाके विजुलाइज करोगे, पोजिशन ड्रॉइंग जो आएगी, वर्किंग ड्रॉइंग जो भी आएगी, वो सारी सारी किस फॉर्मेट में आती है, वो सारी की सारी ऑटो कैड मतलब DWG के फॉर्मेट में आती है। इवन गवर्नमेंट भी जो भी फाइल मांगती है बोलता है DWG या फिर DXF के फॉर्मेट में ही हमें सबमिट करो। तो अब वो सब कैसे लेके आओगे, उसके लिए तो रेविट क्या, रेविट तो .rbt में लेके आएगा, हमें चाहिए .dwg में। साथ ही साथ कोई भी स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है, लाइक स्टैट, ETF, कल को आपको सीखना पड़ा, इसका जो इसमें जो फाइल इंपोर्ट होती है वो .dxf या फिर .dwg, यही इंपोर्ट होगी, तो फिर ऑटोकैड की जरूरत पड़ रही है। तो एक तरीके से बोल सकते हो ऑटोकैड को कि ऑटोकैड इज जस्ट लाइक अ सॉल्ट, नमक की तरह है। किसी भी खाने में बिना नमक के आपको मजा नहीं आने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, कितना ही टेस्टी बना दो तुम, बट नमक की जरूरत पड़ेगी। तो नमक है ऑटोकैड, इसलिए नमक को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, 70% कम कर सकते हो। अगर आप कुछ इस तरीके से डाइट फॉलो कर रहे हो जिसमें सॉल्ट की जरूरत कम है तो 70% कम कर सकते हो, बट 30% डालना ही पड़ेगा स्वाद आने के लिए। तो कुछ उसी तरीके से हमारे हर एक इंडस्ट्री में, चाहे स्ट्रक्चर का इंडस्ट्री हो, चाहे बीम का इंडस्ट्री हो, चाहे केवल ड्राफ्टिंग की इंडस्ट्री हो, तो ड्राफ्टिंग तो पूरी तरीके से ऑटोकैड ही यूज होगा। इसलिए रेविट से ऑटोकैड को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते हो, और यही रीजन है कि आज के टाइम में तुम देखते होगे अभी भी 60% जो जॉब मिलती है वो ऑटोकैड के ऊपर मिलती है। क्यों? ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें स्ट्रक्चर डिटेलिंग करो, मॉडलिंग करो, पोजिशन ड्रॉइंग बनाओ, वर्किंग ड्रॉइंग बनाओ, डिटेलिंग करो, कुछ भी करो, ऑटोकैड को यूज करना ही करना है। सो इसलिए मेरा आंसर है कि ऑटोकैड को कम्प्लीटली कोई भी सॉफ्टवेयर रिप्लेस नहीं कर सकता है, दिस इज द बेस सॉफ्टवेयर। जरूरत है कॉन्सेप्ट से सीखने की, ठीक है। अब मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि ऑटोकैड को तुम जैसे सीखते हो ना, कि जस्ट लाइन पॉलीलाइन सर्किल सीख ले, उतना ऑटोकैड नहीं है। ऑटोकैड के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें हैं। अभी मैं पूछूंगा ओवरकिल कमांड का यूज बताओ, अभी मैं पूछूं कि पर्ज कमांड का यूज बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे बड़े बड़े जो कमांड्स पूछने लगूंगा तो आप कहोगे सर ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऑटोकैड के अंदर बहुत कुछ है, ब्लॉक में डायनेमिक ब्लॉक कैसे बनाते हैं, स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनाते हैं, सर्च करो, ठीक है, लेयर में फ्रीज क्या होता है, ऑन ऑफ क्या होता है, सबको सर्च करो। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जो कमांड्स हैं उनको यूज करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटोकैड के अंदर भी बहुत कुछ है। तो मैं तो बहुत आपको नॉमिनल फी में ऑटोकैड प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आप ऑटोकैड को जरूर सीखो। मेरा नॉमिनल फी प्रोवाइड करने का रीजन यही रहता है कि बिना ऑटोकैड के सीखे मत जाओ,
300-350 में तो मैं पूरा का पूरा ऑटोकैड सिखा देता हूँ 20-25 घंटे में। 25 घंटे सफिशियंट होता है ऑटोकैड सिखाने के लिए। तो डेफिनेटली आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सीखने के लिए जा रहे हो तो पहले ऑटोकैड पर फोकस करो, ऑटोकैड के बिना मत जाओ भाई, नहीं तो आपको आगे जब कोई भी जॉब में जाओगे वहां समस्या जाएगी, वहां रिविजन क्लाउड बना रहेगा। आप सोचो यार ये क्या है रिविजन क्लाउड, क्या होता है रिविजन क्लाउड? ऑटोकैड जिसने पढ़ा है उसको पता है कि इसके अंदर मैसेज लिखा जाता है। सो काइंडली लर्न ऑटोकैड देन गो फॉर अदर सॉफ्टवेयर, और ऑटोकैड को कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्डिंग बाय लॉ के साथ, रेरा के रूल्स के साथ ऐसे सीखो, मजा भी आए, कॉन्फिडेंस भी आए कि हमने ऑटोकैड सीखा है। प्लानिंग करके प्रॉपर किसी को दो, प्लानिंग के साथ एलिवेशन और सेक्शन किसी को करके दोगे तब मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। आजकल मैं बहुत एक्टिव हो गया हूँ तो आप लोग भी ऐसी कंपनी दीजिए कि जो मैं इतना एक्टिव हूँ उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, जैसे कि और मैं एक्टिव हो जाऊँ आपके साथ। चलिए थैंक यू सो मच।